अभी आधा शरीर बाहर और आधा इनके भीतर में, अभी ये चौकट को ऊपर में तक आए और उसको ऊपर में आकर कृष्ण लट जाते हैं। अभी कृष्ण बाहर भी नहीं निकल पाते और अंदर में भी नहीं आ पाते हैं। अभी लटकत भगवान है। इतने में नारद जी लोमहर से ऋषि को साथ में कृष्ण की लीला देखने के लिए आए। प्रभु क्या क्या लीला कर रहे हैं? नारद तो देख करके दिखा भैया तो लटकत भगवान। नारद तो बड़ी जोर से हा 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 करते करते बड़ी जोर से ठा लगा करके हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर नारद जी रोने लगते। ये लीला देख करके लोमर से ऋषि बोले, नारद जी पहले आपका ठा लगा करके हंसे, फिर बाद में फिर रोए क्यों? इसका क्या रहस्य है? बोले मैं इसलिए मैं हंस रहा था, कृष्ण क्या चौकड़ों बात नहीं हो सकते? जिनका नाम लेते हैं जीव भव सागर से पार हो जाते हैं, लेकिन केवल प्रभु भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु ये लीला करते हैं। अगर प्रभु ये लीला नहीं करते तो हम अभी क्या लीला को सुनते? इसलिए भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए प्रभु ये लीला कर रहे हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, इसी लीला में ही वो संपूर्ण उसमें डूब जाते हैं। इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देखते करके हंस रहा था। बोले रो रहे थे क्यों? बोले इसलिए मैं रो रहा था ज्ञानियों का दुर्भाग्य को सोच सोच करके, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति निर्लिप्त है, उनको जो मानते हैं वो भगवान को ये लीला को वो स्मरण नहीं करते। बोले भगवान का निराकार है, उनका तो ये लीला जितने सब भाई की लीला है, ये लीला उनकी सत्य लीला नहीं है, इसलिए वो बड़ी दुर्भाग्य है। इसलिए इस चीज को देख करके मैं रो रहा था। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए हैं, कृष्ण जब और थोड़ी सी बड़े हुए, कृष्ण अभी कृष्ण जितने बड़े होते जा रहे हैं ना, कृष्ण उतना नटखट 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 करते जा रहे हैं। अभी कृष्ण बलराम एक साथ में बड़े हो रहे हैं और दोनों इतने नटखट है, इतने चंचल है। जसोदा और रोहिणी जब एक माँ दो बच्चे को संभालती है, फिर एक माँ घर की काम करती है। कभी अगर कहीं तलवार देख ले तो तलवार को पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर भैया वहां से बचा कर खिलाते हैं। कहीं दिया जल रही है, कृष्ण भी उसको भी पकड़ने के लिए जाते हैं, कृष्ण बलराम, फिर वहां से भैया उनको बचा कर खिलाती है। एक दिन तो उन्होंने एक बछड़ा सो रहा था, कृष्ण जाकर के बछड़े को पूछ को पकड़ लिए तो गया बछड़ा नहीं, एकदम कुदकते हुए भागने लगे। भागने लगे तो कृष्ण उसका पूछ छोड़े ही नहीं, उसको पीछे लटकते लटकते जा रहे और कृष्ण रोने लग गए। इतने में अरे मैया जाकर के कृष्ण को वहां से लाते। कृष्ण बलराम जब दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, गोपियां दो दल बना देती हैं, एक कृष्ण का दल और एक बलदेव प्रभु का दल है। बोले देखो तुम्हारी दोनों के अंदर में कुश्ती होगा और जो वो कुश्ती में जो जीतेगा ना, देखो ये लड्डू देख रहे हो, ये लड्डू मिलेगा और ये मक्खन के ढेला मिलेगा हैं। इसलिए दोनों भैया भिड़ जाते हैं, भीड़ करके दोनों भैया कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते लड़ते दाव भैया तो कन्या को पछाड़ देते हैं। पछाड़ देने पर इतने में कन्या जाकर के भैया को कहती, बोले भैया आज मेरे को दाव भैया पछाड़ दिया। बोले पछाड़ेगा नहीं, तू तो मक्खन खाता ही नहीं, तू हैं मक्खन खाता नहीं और तेरे को खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और दाव भैया को देखो कैसे मक्खन पेट भर भर खाता है ना, तभी ताकत है। कभी कभी कृष्ण कहते, बोले भैया मेरी चोटी बढ़ा क्यों नहीं हो रहा, मेरी चोटी इतना छोटा कैसे? बोले छोटा नहीं बनेगा, बड़ा कैसे बनेगा? तो मक्खन मिश्री खाता है नहीं। और दाव भैया का चोटी देखो कितने सुंदर चोटी। बोले भैया मैं मक्खन खाऊंगा, दो अभी तो भाई। कृष्ण ने मक्खन लेकर खाने लग गए, मक्खन फिर अपना चोटी को पकड़ कर बड़ा हुआ बड़ा हुआ। बोले भैया तुम मेरे को बहका रहे हो, तुम मेरे को बहका रहे हो, मक्खन खाया अभी तो कोई चोटी बढ़ेगी। इसलिए एकदम बालक जैसे कृष्णा
ऐसे ऐसे कृष्ण लीला करते हैं। नंदो बाबा कभी कभी कहते गुमियान, कभी कभी कहती है बोले कन्हैया वो पीढ़ी को उठा कर ले आओ। तो अभी कृष्ण चलना भी ठीक से सीखेंगे, अभी कृष्ण ठुमुक ठुमुक कर भी जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, जो पीढ़ी को उठा नहीं पाते हैं वो बड़ी कष्ट से वो पीढ़ी को उठा करके ऐसे ऐसे करते करते जैसे छोटा बच्चा लाते हैं। बोले भैया जिसने गिरिराज गोवर्धन को उठा दिया, जिसने ये विश्व ब्रह्मांड को अपना मन के ऊपर धारण करके रखे, लेकिन उनसे एक पीढ़ी भी नहीं उठता है। कभी कभी नंदा बाबा बोलते कन्हैया लाला मेरे खड़ाओ ले आ लाला, कृष्णा ठुमुक 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 कर चलते हैं और नंदा बाबा का जो खड़ा को ना क्या करते हाथों में नहीं अपना सर पर रख कर ले आते नाचते नाचते। नंदा बाबा देख करके बड़े खुश हो गए, बोले मैंने कहा ले आओ हाथ खड़ा ले आओ और सर पर ले करके लाला जो मेरा बड़ा हो गया ना पिता माता का बड़ा सेवा करेगा, पिता माता का ये बड़ा पिता माता का सेवा करेगा। इसलिए नंदा बाबा बड़े खुश होते हैं। अभी आप लोग गांव में देखे होंगे कुएं है, उसमें एक रड़ होता है, उसमें गोल चक्र होता है और रस्सी को उसमें डालते हैं, उसी से ही कुएं से पानी उसी से ही खींचते हैं। अभी कृष्ण बलराम दोनों भाई गए और जा करके वो रस्सी को उन्होंने क्या किया, रस्सी को वहां से निकाल दिया, निकाल करके दोनों भैया रस्सी को छोड़ने लगे और छोड़ते 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 अभी धीरे 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 जो बाल्टी नहीं तो जो पात्र था नीचे गया, जा करके अभी क्या हुआ पानी भर गया। जब पानी भर गया अभी दोनों भैया रस्सी को पकड़ कर खींच गए, लेकिन उनसे खींचा ही नहीं जा रहा। अभी छोटे बच्चे है ना, इतना ताकत नहीं जैसे कुएं के बाल्टी को खींच लिया। अभी दोनों भैया उसको इसे पकड़ कर रखे, उनसे खींचा नहीं जाता। इतने में रोने लग गए, रोने लग गए तो अरे मैया आकर के बोले ये क्या कर रहे हो, बोले तुम लोग बड़े दुष्ट हो, हैं बड़े दुष्ट, तुमको चैन नहीं पड़ता है। इसलिए फिर कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाते हैं। अभी कभी कभी जो बाढ़ होता है ना, कभी कभी उसमें फूल खिला हुआ रहता है लाल रंग की, कभी पीले रंग की, कभी हल्दी रंग की फूल खिला हुआ रहता है। और बाढ़ में कांटा होता है, गांव के रहने वाले को यहाँ है कि नहीं, सब तो शहर में रहता है, जो लोग गांव में है उनको पता नहीं। अभी कृष्ण बलराम जब देखते हैं बड़ी सुंदर सुंदर उसमें फूल खिला हुआ, अभी दोनों भैया वो फूल को देख करके लोभ से उसको अंदर में चले जाते हैं, है? चल जाकर के जब उन्हें वो फूल को तोड़ लेते हैं, अभी वो निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा, क्योंकि कांटा कांटा वो फूल को देख करके उसका लोभ में तो अंदर में चले गए, रहते चले अंदर में लेकिन अभी और निकल नहीं पा रहा। अभी दोनों भैया रोने लग गए, रोने लगे तो फिर मैया जसोमती आकर के दोनों बालक को फिर वहां से निकालती है। इसलिए कृष्ण ऐसे ही बचपन में बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण लीला करते हैं। एक दिन हरे कृष्ण ऊपर के कथा बोल बना, मायरा ऊपर के कथा बोल बना, हरे कृष्ण इतने माय देन ना कथा ना बोले पेटर भात ही हजम नहीं है, इतने पेटर भात हरे कृष्णा एक जने। हाँ अभी थोड़ी सी बंगला बोलता हूँ, ठीक है हिंदी तो समझ लिया बंगला भी समझ लो। हाँ मायरा हिंदी बुझते बार चिंतो बंगला। हाँ एक हम कृष्ण जगन तुम्हीं धीरे 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 कृष्ण जब तो बड़ो हो चलना तब तो गोपाल भी मुझे चल चलता। एक दिन नंद श्री नंद बाबा बल्कि एक की वैष्णव होते के लिए अपना दर में तो चार चीज निष्ठा हुआ दरकार, कोई निष्ठा हुआ दरकार बोलो, चार चीज निष्ठा हुआ दरकार वैष्णव होते के लिए भक्ति करते के लिए चार चीज निष्ठा। उधर मध्य एक टी निष्ठा हो लो जाते प्रत्येक बाढ़ में जाते गोपाल खाते गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण राधा गोविंद प्रत्येक बाढ़ के ठाकुर जाते ठाकुर जी
જે વાતે ઠાકુરને સેવા પૂજા હોય ના બોલો જે બારી ન હોય ઓટાલો સસાન ભૂમિ બેટા કી દેખલો સસાન અર જે વાતે ગોવિંદરે પૂજા હે ગોવિંદરે કીર્તન હે ગોવિંદરે ભજન હે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કી બોલશે બોલે જે દી નગરી હે ભજન તે કી ગ્રીહે તે ગોલક ભાય चरण सिंधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाय शोध भक्त चरण रेणु भजन आनु बोला भक्त ठाकुर जी बोल से जेदिना गृह भजन देखी गृह जादरे बाटते गोविंद सेवा पूजा है ठाकुर कीर्तन है और छले मेरा सबाई तिलक लगा छे मकलाई तुलसी कटिया छे सबाई ठाकुर नाम जप कर छे एक बार हाथ तुले बोल छो बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोल जोर कर बोलो हरे বৈষ্ণব হতে গেলে আমাদের চারিটা নিষ্ঠা দরকার আছে প্রথম নিষ্ঠা হলো প্রত্যেক বাড়িতে যাতে ঠাকুরের সেবা পূজা ঠাকুরের সেবা পূজা যাতে হয় আর ঠাকুরের যে সেবা পূজা হয় এরকম নয় আমরা নিজেই কিনে প্রত্যেক দিন এটা নতুন নতুন শাড়ি বের করে আমরা নিজেরা প্রত্যেক দিন পড়ি এটা নতুন নতুন শাড়ি বের করে প্রত্যেক দিন পড়ি কিন্তু ঠাকুরকে না একটাই কাপড় পরিয়ে পাঁচ দশ পনেরো দিন থেকে ঠাকুর একটা কাপড় পরে বসে আছে তার কাপড়ের কোনো চেঞ্জ করেছে না বলে না আমাদের যেরকম ছেলের যে কোনো জন্ম উৎসব হয় তো আমি কি করি নিজের ছেলের যে নেই এটা নতুন যত কাপড় থাকুক না কেন ছেলের যে নিয়ে আসে কি না নিয়ে আসে প্রথমে ছেলের জন্য আনবে না প্রথমে আনবেন গোপালের জন্য তার জন্য আনবে তারপরে ছেলের জন্য দেখবে নিজের ছেলে কত ভালোবাসে তো ছেলে যখন বিয়ে হয়ে যায় না বাপ মা কত কি না করে তাকে পেটে নয় মাস ধারণ করলো তাকে মুখের খাওয়াটা বের করে খাওয়ালো হ্যাঁ সুখার মধ্যে তাকে ঘুমিয়ে নিজের ভিজার মধ্যে নিজে ঘুমালো ছেলেকে সুখার মধ্যে ঘুমালো কিন্তু ওই ছেলেটি যখন বিয়ে হয়ে গেল স্ত্রী একটি এইরকম কানে মন্ত্র দিয়েছে না এই রাত্রি আর দ্বিতীয় দিন ছেলের মাথা খারাপ ও আর বাপ মা কে জিজ্ঞাসা করে না কি করে এদের সম্পত্তি গুলো কি করে বের করে নেব বুঝতে পারছেন তো আর তাড়ি দিয়ে করতে তাড়ি দিয়ে এই জন্য যদি করতে হেটা কার জন্য করব গোপাল জন্য করব তার জন্য যদি করেন না এই জন্য আমাদের শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিনি বলছে अगर कोई भगवान के लिए करते हैं जिंदगी भर उसके लिए करो लेकिन जब वो वृद्ध हो जाता है फिर उसके लिए कौन करेगा जिंदगी भर तो तुमने गोपाल का सेवा किया सारा जीवन तो गोपाल ने सेवा कर ली जब वो बूढ़ो बूढ़ी हो जाए तादरे के सेवा कर ली गोपाल ही करता है बुझते बात से तब उन गोपाल तुम्हारे जिन कर दे क्या ना सारा जीवन तुम उनकी सेवा में जीवन लगा दिया लेकिन जगत में आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते हो जगत आपने काके को प्रसन्न करते बारे में ए पर जो तो सवाई सेवा कर छे छेले सेवा कर छो मेहर सेवा कर छो पत्नी सेवा कर छो पत्नी रे सेवा कर छो ए पर से ते काके खुशी खुशी करते बारे में बाड़ते बोलो बाड़ते कने के खुशी होई छे तुम्हारे प्रति ए पर जो के प्रसन्न होई छे ना संसार काके खुशी करते बारे ना संसार में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो मर जाओ संसार के उदाहरण में पीछे जाने की रकम ভালো করে মন দিয়ে শুনো একটা ঘানি আছে না ওই যার মধ্যে
বলছে আখ রস বের করে দেখবেন ও আখটাকে একবার দিবে আখটাকে একবার দিলে পরে রসটা বেরিয়ে গেছে বলে আর একটু রস আছে ওই আখটা ডবল করে আবার কর্মটা ঢুকাবে ঢুকিয়ে আবার রসটা বের করবে বলে আর আছে কর ওইটাকে চার ডবল করবে আবার ঢুকাবে ওই ধানের মধ্যে ঢুকিয়ে বের করবে রস বলে আর একটু আছে মানে বাবারে তখন কি করবে আবার সেটা আট ডবল করে সেটা আবার ঢুকাবে জগত মে তুমি শরীর মে খোন হই তোমার রস হ্যাঁ তুমি চুসনে কে ইসলিয়ে জগত মে প্রেম দিখতা হ্যাঁ इसलिए करना तो भगवान के लिए करो उनके लिए अगर थोड़ी सी करते हो ना उनार जन अगर थोड़ी सी कोई करे एक तो कर दे दी लेकिन मने रहे हमारे लिए द्रौपदी कापड़ फेड़े हमारा आंगुल में जिस बैंडे जी कर चिलो लेकिन भगवान ताके भरी समय ताके वस्त्र दिए थे सुदामा दो मुट्ठी ताके चाल भाजा खाओ चिलो चिड़िया गोविंद तादर जन सोनर सोनार दिनी महलवानी दिए थे हैं এখানে করতে হবে তো কার দিনে করবো বলো কার দিনে করবো গোবিন্দ রেজনে করবো গোপাল রেজনে করবো এখানে বাড়িতে প্রত্যেক দিন কি করবো বাড়িতে তাকে স্নান করাবে তাকে স্নান করাবে তাকে কাপড় পড়াবে তাকে সুন্দর করে তাকে সেবা করবে এখানে আমাদের যে নন্দ বাবা ছিল তিনি বৈষ্ণব তিনি বলে বৈষ্ণব হতে হলে চারটি নিষ্ঠা দরকার আছে বৈষ্ণব বনে কে লিয়ে চার নিষ্ঠা কি জরুরত হয় पहला निष्ठा है ठाकुर जी की सेवा निष्ठा पहले दूसरा निष्ठा क्या है दूसरी निष्ठा बोलो एकादशी निष्ठा प्रत्येक एकादशी व्रत रखते हो सही रखन तो एकादशी व्रत हाँ रखन तो इन्हें एकादशी व्रत रखे और तृतीय निष्ठा बोलो प्रत्येक बाड़ी ते जाते तुलसी वृक्ष था के खादर खादर वाले तुलसी का अच्छा है আমাদের যে রাধা রানী তিনি গোবিন্দ কি করে পেলে ওই তুলসী পুজো করে করে তিনি গোবিন্দ কেবল তুলসী পুজো করে তিনি পেয়েছেন কৃষ্ণ রাধা রানী রাধা রানী কৃষ্ণ দেশে প্রাপ্ত কি তুলসী পূজা করতে কেবল তুলসী পূজা শিক্ষা দে রে শিক্ষা দে রে যেতে রাধা রানী সখী বৃন্দা হে শিক্ষা দিতে হ্যাঁ তুলসী কি জিতনে সেবা পূজা করে গা ভগবান উতনা সন্তুষ্ট হতে উতনা হৃদয় মে ভক্তি আসা হ্যাঁ যে ব্যক্তি তুলসী বৃক্ষ কো বোতে হ্যাঁ যারা তুলসী গাছ লাগায় বলে তুলসী গাছ লাগাছে না হৃদয় মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তির বীজ কে তিনি বপন করছে যে লোক তুলসী বৃক্ষ লাগা বৃক্ষ নেই লাগাতে আপনা হৃদয় মে কৃষ্ণ ভক্তি কা বীজ কো বোতে হ্যাঁ প্রদিষ্ট স্পৃশ্যা তথা জ্ঞাতা কীর্তিতা নমিতা শ্রুতা ये তুলসী আট তরহ সে জীব কা কল্যাণ করে তুলসী আট প্রকার জীবের কল্যাণ করে কি রকম দর্শন যদি তুলসী কে দর্শন কর নিয়ে চিন্তা সে তোমার কল্যাণ যদি তুলসী স্পর্শ হয়ে যায় হ্যাঁ যেন বলাই তুলসী মালা ধারণ করে আছে যদি স্পর্শ হয়ে যায় তাতে কল্যাণ আমাদের কল্যাণ আছে যদি তার ধ্যান করা হয় হ্যাঁ তাকে যদি প্রণাম করা হয় তার যদি আরতি করা হয় হ্যাঁ তাকে যদি প্রণাম করে তার যখন মহিমা তুলসী অগর মহিমা তুলসী গাতে কীর্তিতা নমিতা শ্রুতা হ্যাঁ কদি তুলসী শুভা এই আট তরহ সে তুলসী জীব আট প্রকার তিনি জীবের তিনি কল্যাণ করে এই জন্য বাড়িতে তুলসী সেবা করা দরকার প্রত্যেক দিন সকালে স্নান করে তুলসীর মধ্যে পানি দেনা চাই রোজ রোজ তুলসী মে পানি দো তুলসী মে এই জন্য নন্দ বাবা তিনি কি করতে নন্দ বাবা তিনি প্রত্যেক দিন বাড়িতে তিনি সাল গ্রামের তিনি প্রত্যেক দিন সেবা করতে এখানে কি করছেন তিনি সাল গ্রামকে তিনি ভালো করে পঞ্চামৃত দিয়ে তিনি খুব সুন্দর করে তাকে স্নান
ગ્રહણ કરીએ છીએ અને સ્નાન કરીએ તાકે તેની કોઈ સિંહાસન ઉપર રેખે દે છે સિંહાસન ઉપર રેખે એકર તાકે લડ્ડુ ભોગ લાગીએ છે જેમ લડ્ડુ ભોગ લાગીએ છે લડ્ડુ ભોગ લાગે કી કરતા હે ગોપાલ મંત્ર પાસે છે ગોપાલ ગોપાલ દેખલે ગુલાબ જાંબુ મધ્ય લગા શાલગ્રામ દેખે ના મને કરશે જે ગુલાબ જાંબુ મધ્ય દેખતા હૈ શાલગ્રામ और कृष्ण धीरे 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 ऐसे की कर छे वही शालग्राम टा करे नियम मुखर पद नहीं है हां मुखर पद नहीं है सिवा नियम ये छे नंद बाबा जब ने एक ऊपर देखे वही सिंहासन पर शालग्राम ही अरे ठाकुर के तो अभी एक ने स्नान करा ला स्नान करे अभी वही सिंहासन राखी ला वो शालग्राम पर गेल होता है हां वो शालग्राम देखते बैठे ना আঙুলটা ঢুকিয়েছে ঢুকিয়ে দেখে না ওই গোপাল মুখের মধ্যে শালগ্রামটা এরপর নন্দ বাবা তিনি বলে আইরি তখন নন্দ বাবা তিনি শালগ্রাম তো মুহ সে নিকালতে শালগ্রাম তো উনকো মুহ সে নিকালতে নি আরে নন্দ বাবা ঠাকুর জি সে ক্ষমা মাগাবে ঠাকুর জি ये बालक है क्योंकि छूटा हो जाता है ना मुंह में शालग्राम संख्या भगवान ने उन्होंने अपना मुंह में डाल दिया असल में अपराध है उनको बोले ठाकुर जी मेरे लाला को आपने बचा लिया अगर अंदर में गटका लेता तो अगर भीतर यदि खिए नहीं तो मैं चलता रही हो तो बेटे सालग्राम चले जाए तो बोले नारायण हमारे गोपाल के पास चले गए थे हाँ मेरे गोपाल को नारायण बचा लिया फिर ठाकुर जी को उन्होंने फिर उनके ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं अभिषेक करके फिर ठाकुर जी को फिर स्थापन किया एखाने कृष्ण तेने की शिक्षा दी छे बोले से बाबा जाना वही शालग्राम नारायण के वो आर क्यों नहीं वो तो सब हमारे भीतर आ जाए एक जने कृष्ण जी का तेने ईश्वर को तेने देखिए छे ने की देखा ले बोले जतो ग्रह नक्षत्र पर जत कृष्ण देखा ले मत्स्य कुर्म ऋषि बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि सब मेरे अंदर में सब हमारे भीतर है मेरे से कोई चीज अलग नहीं विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है इसलिए उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया बोले पिताजी जो नारायण शालग्राम ना इसलिए मुंह में डाल दिया था ये सब के सब मेरे अंदर में तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो मेरे को अपना लाला रूप में मेरे को प्यार करते हो आमा के भालवास हो जो तुम्हें आमा के भालवास हो आर काके भालवास तो है ना आमा के भालवास ली समाज के भालवास हो जाने एकने गाचेरे गोड़ाई जल दिले की हवे सब जगह साके पसक पसक पसकते बाढ़े बहुत हैं एकने कृष्णा एक दिन नंदबाबा ने कृष्ण बलराम दो भाई के कोले बसीत भोजन कर रहे दोनों भाइयों को बहुत में बैठा करके नंदबाबा भोजन कर रहे बोले क्या भोजन कर रहे हैं बोले भोजन से कढ़ी चावल कभी कभी कढ़ी अन्न कढ़ी क्या किए जन तो कढ़ी हाँ जी ना लेकिन दही दिए पाना कखनो कखनो तिनी ওই লাগড়া অন্ন ব্যঞ্জন ডাল ভাত তিনি খাচ্ছেন কখনো কখনো দুধ ভাত ও খায় কখনো কখনো দহি ভাত খায় কৃষ্ণের সব দিকে ভালো খাওয়া না ওই দহি ভাত আর দুধ ভাত বাড়িতে খেয়েছেন কখনো ঘরে কখনো খায়ও দহি ভাত দুধ ভাত কখনো খায়ও इसलिए गांव में देखना कुछ तो होता नहीं बात चावल में दही में दूध डाल करके बस खा लेते बस बात चंद এখন এখন কিন্তু বাঙালিরা তো পান্তা ভাত খায় আর বাঙালিরা কি খায় কি খায় আমাদের আমাদের উড়িষ্যায় না এখন হরে কৃষ্ণ আমিও উড়িয়া এখন আমাদের দেশে জিজ্ঞাসা করছে তোমাদের দেশে সব থেকে ভালো খাওয়াটা কি বলে আমাদের বাড়িতে দেশে সব থেকে ভালো খাওয়া পান্তা বলে সামনে আমার জগন্নাথ কে ভোগ লাগে জানি তো জগন্নাথ পাকা ভাত খায় জগন্নাথ হ্যাঁ জগন্নাথ পাকা ভাত খায় এই যে নেই সব থেকে এই ঘর নন্দ বাবা তিনি কি করছে
एक बार गोपाल के खावा छे एक बार फिर बलदेव प्रभु खाचे और एक बार फिर विजय खाचे जेरको बाबू मास चले तेरे को बोलो बसे एकटा की होय छे एकटा लक्का छिलो एकर नंदोवासी तो छे अर्जुन मध्ये ना वो लक्काटा के रुके छिलो छोटो छलवा जदि नाकिए ना आज इधर नजर के बाकी है माझे माझे नंदबाबा की कर चुन ओए लक्काटा का बैल करे एक तो कहते खेल दीचे और उस चाल में बदले ढूंढे दीचे और फिर बदले एक और कृष्ण देखे ना एक और कृष्ण एक दिके अब बलदेव प्रभु एक दिके एक और कृष्ण एक और बलदेव प्रभु दिके ताका चुन बोले ताऊ भैया देखो ये बाबा की जो जिनसे भालो जिनसे खाचे ये खावा तेरे खावा दिया हाँ वो लुकिए लुकिए खाचे देखो वही ऑनर मधे लुकिए दीचे हमारे जो ने एक दिन दिया ताका जी समान एक तो भी कैटेक दीचे एक तो बल बलदे प्रभु को बल देखो तो किरण को जिनिस टाटू तभी किए तब तो तेरे लोग का एक और बलदे प्रभु को बल गोपाल इजे नटखट ना इच चले तो हमारे काज नहीं तोर काज तू ही कर हम ही कर बना एवं गोपाल की कर से नंदबाबा चौक बाची है ना वो लोकाटा के लिए मुखरे बदे बास पूरा बल को भाल जिन से बदे पूरा ढूंगी दी जी यार जीवादार में बच्चे आर की चार आर तो गोपाल नाश्ते आर मुखरे दी जी गोपाल दिन नाश्ते आर मुखरे दिए जी समझ रहे कि नहीं कृष्ण मिर्च को खाए वो सोच रहे थे बाबा हमसे कोई चीज छुपा छुपा कर खा रहे इसलिए उन्होंने क्या किया पूरा लंका के मिर्च को लेकर के मुंह में डाल कर जब चिबाने लग गया बड़ा मिर्च था इधर का मिर्च नहीं बंगला का मिर्च है ना बहुत ज्यादा मिर्च है एक मिर्च खाना कठिन है यहाँ पर तो मिर्च मीठा बराबर है लेकिन बंगाल का जो मिर्च है ना एक खाओगे तो पूरा यहाँ खा जाएगा तो हाँ बंगाल बंगला के लंका है खूब तेज उस तरह से तो हाँ लेकिन लंका खूब तेज आग से पानी निकल इसलिए कृष्णा नाचना शुरू कर दिए तब थे के नंदबाबा की प्रतिज्ञा कर चें हमी आज जीवन लंका में एक ने देखी है जब तो पूर्णो पूर्णो मंदिर ही आचे ना सेना ने कुछ आज लंका विवाह है बोले के ना बोले गोपाल का माखन खाए गोपाल माखन खाए और मुख टा कत्तो कोमल वो किकर लंका खावे एक ने जगन्नाथ मंदिर देखी है लंका ने अपनी बद्रीनाथ देखी है लंका विवाह है ना उन्हें हैं ऐसे रामेश जब तो बड़ा बड़ा धामे किए देखे कुथाए ठाकुर के लंका खा के खाए ऐसे ना मदर विदेशी भक्त ना क्यों लंका खाए मदर विदेशी भक्त ना क्यों मेरा लंका खाए ना हैं मेरा बिना लंका चला खाए और हमारे बंगाल दे लंका ना ले चलो ना लंका चलो जीवे हाँ ऐसे तो क्या पिक्चर भी आप ऐसे लंका जीवे ने तू ऐसे ने लंका ना वाले और बुद्ध बार तो जितने पुराना स्थान है मंदिर में कहीं मिर्च नहीं चलता है वहां पर बगैर मिर्च के सब खाते हैं इसलिए ये नंदबाबा तब तक इतनी और लंका अर्थनी खाना एक दिन माँ यशोदा गोपाल के की कर से सुंदर करे श्रृंगार कर से कृष्ण बलराम की सुंदर करे श्रृंगार कर से श्रृंगार करे बोल जाओ तुम्हारा दूजा खेला खेला दुला कर हमारा दूजा रोहिणी और यशोदा हमारे घर के काज का करी घर के काज बढ़िया छे जाओ तुम्हारा खेला दुला करो एक हर कृष्ण बलराम चिंता कर छे अरे जखन जखन आमादर ऊपर कोनो विपत्ति पड़े माँ की करे कोई गोबर और गोमूत्र है ना आमादर स्नान करा है गोमूत्र गोबर दी आमादर के स्नान करा है और ये ब्रज धूलि के आमादर तिलक लगाए गुरुदेव चरण धूलि लिए कहते गुरुदेव चरण धूलि लो पवित्र है पवित्र कोई क्या ये तिलक लगाए एर मते की आछे चलो तो आज के हमारा दो जन का आई मैं देखो वो एर मते आछे का और वो खाने गोर बांधा चलो और चली ले चले आज चले की और वो खाने के गोमूत्र गोबर चलो ना और सब को ले लिए पूरा सारा शरीर लागी छे भालो करे शरीर मते लागी छे लागिए दिए तू भाई बसी आछे एकदम मां जसमत देख लो दूट चंचले चले गेलो गुटाए हैं बोले गोपाल कनुआ बलुआ तुम्हारा कुथा है हैं मैया जसदा बुला रही है तुम दोनों कहाँ हो अभी आवाज कहाँ से आई बोले गैया को बीच से बोले मैया हम तो यहाँ पर हैं बोले वहां क्या कर रहे हो वहां जा करके देखा पूरा शरीर में कीचड़ और गोबर और गोमूत्र से पूरा शरीर ही सना हुआ है मैया को तो बड़ा क्रोध आया माँ को पूरा आगे से
हां क्रोध आया बोले अभी अभी तुम दोनों को हमने कितना सुंदर श्रृंगार किया, कपड़ा पहनाया मणि मुक्ता से, हीरे जवाहरात से तुम दोनों को हमने सजाया और एक मिनट में सारे श्रृंगार को बर्बाद कर दिया। इतिमध्ये मां यशोदा की पर से गोपाल ना बलधर कान के सीधा धरे से बोले एखने स्नान करे श्रृंगार कर लाम और संगे संगे की खराब कर दी छो हैं दो जन रे कान भालत धरे छे बोले केनरे मन हो जो तुम्हारा की पूर्व जन्म रे तुम्हारा स्वर छिले पूर्व जन्म में स्वर छिले स्वर की करे भाई माटी गाता गाय मत के वाले स्वर ना के ना बोले तुम सुकर असली जाता पुतना रे ते पुतना रे अरे तुम्हारा के आदि जन्म तुम्हारा स्वर छिले कान धरे छे हर कृष्ण ना माथा के हिला रे कृष्ण बोले हां मां हमें तो स्वर ही छिला जब सत्य जुदा हमें बराहा बता रहे बेटा लो सूर्य रे अवतार कि तुम्ही की कर जान ले हमें सूर्य चला पा दी है तुम्ही की करे है इजने कल तुमको कैसे पता था मेरे पहले जन्म में सत्य जी के भगवान बराह अवतार लेकर भगवान आए थे। इसलिए कृष्ण यहां शिक्षा देते हैं कि जो ब्रज रज है वो साधारण वस्तु नहीं, ये गोबर गोमूत्र साधारण वस्तु नहीं। इसलिए आप देखना घर को जो पवित्र हम कैसे बनाते हैं, घर को पवित्र कोई मर जाए तो गोमूत्र गोबर से पवित्र बनाते हैं, गोमूत्र गोबर जब भगवान को स्नान कराते हैं वो चरणामृत में गोबर गोमूत्र चरणामृत में हम मिलाते हैं, ठाकुर जी का स्नान उसमें होता है। पहले क्या होता था, घर को गोबर से पोता करते थे, गोबर को घर में लिपा पोता गोबर में करते थे, इसलिए लोगों को इतने बीमारी नहीं होता था। अभी देखो घर घर में बीमारी है, घर घर में बीमारी है, आगे की कर तो वही गोबर गोमूत्र भी शुद्ध काज हो तो है इतने लोकरा रोग ग्रस्त होता ना निरोग था तारे घर वही सीमेंट वही पाथर वही है एगुलो जिनिस गुलो होय ना विभिन्न प्रकार रोग ग्रस्त है विभिन्न प्रकार रोगे पड़ छे जने एखनकार साइंटिस्ट दा है अभी का जो साइंटिस्ट है अभी रिसर्च करके गोबर से और गोमूत्र से कितने मेडिसिन निकालते हैं, कहते हैं इसे कोई बीमारी नहीं जो कि ये गोमूत्र गोबर से सही नहीं होता, सारे बीमारी इससे सही होता है, हैं? इसलिए इतने आगे लोकरा की कर तो वही गोबर दिए सब काज हो तो वो गोबर से जो खुटे दिए रखना हो तो है और गोबर के दिए की कर तो यदि जा प्रत्येक बाड़ी थे पहले हर घर घर में गया होता था पता था कि नहीं आगे प्रत्येक बाड़ी थे गोरु पालतू भी नहीं प्रत्येक बाड़ी थे गोरु पाल पाले हम ही अपना तेरे मतलब ग्रामर से ले प्रत्येक बाड़ी थे गोरु था जो भाई हर जगह घर में हुए ना प्रथमे गोरु और गोरु सेवा कर ले पर ना समस्त रोग से सोजे भाल हो जाए, गोरु सेवा कर ले घर में माँ लक्ष्मी रे कृपा है। हम अगर बैठे जो दुर्गा से खींच ले वो घर का जो बाबा आज सेवा कर छे ना प्रथम और श्वास रे बीमारी हो गई, श्वास रोग हो गई तो आज कुछ भी भाल है उसको श्वास की बीमारी हो गया था वो किसी तरह से सही नहीं हो रहा था किंतु जब हम तेरी वो सेवा करना शुरू किया ना अपने आप उसका बीमारी सही हो गया। बुद्ध बात तो तेरी जब उन्होंने गोरु सेवा करता आरंभ कर छे वही जो गोमूत्र गोबर में मतलब ये मन सुगंध ही आछे वो सुगंध देते और समस्त रोग भाल हो गई आर की मोटा हो गई आगे वो पतला छलो हैं अरे गो सेवा करे वो शरीर एकदम मोटा छोटा और रोग जत छलो कौन रोग नहीं शरीर में कौन रोग नहीं इसलिए गैया सेवा करने से शरीर का उसका गोमूत्र गोबर का जो सुगंध देते अनेक प्रकार रोग नष्ट हो जाए। एक अंदर आगे कोई जमीन मध्य की दिए की कर तो गोबर दिए गोबर जमीन मध्य दिया तो कि तू सरकार की कर छे कोई यूरिया आर की सब सार आछे ना यूरिया आर की सार आछे हां डीएपी ए सब बेर करे ना जमीन सर्वनाश कर छे आर जमीन मध्य आर फसल होए ना हैं जमीन मध्य आर फसल होए ना कारण होलो कोई यूरिया क्या विभिन्न प्रकार सार दिए हैं सब चेष्टा कर बेसी आते भालो है आज दो चार वर्ष पर जमीन सब शेष किंतु वही गोबर दिए हमारे आगे नियम की चलो जमीन मध्य की दिया गोबर जो है और गोबर दिए यदि अपनी यदि सास वास है ना कखन जमीन कखन
হ্যাঁ যে তার যে ফল দিয়ে সেটা কখনো কম হবে না, সারা সারা জীবন সেটা চলবে, সারা জীবন ও চলবে, বুঝতে পারছেন তো? এই জন্য কৃষ্ণ তিনি আজকে তিনি গোবর গোমূত্রের তিনি মহিমা দেখাবার জন্য তিনি আজকে কৃষ্ণ তিনি গায়ের মধ্যে কি করলেন, তিনি ওই গোবর তিনি লাগানের গায়ের মধ্যে গোবর লাগিয়ে নিজের তিনি পবিত্র করলেন। এই জন্য এখানে বলছেন বলে কি দৃক সলীলা ধীরানন্দ কুণ্ডে, হ্যাঁ কৃষ্ণ এইরকম তিনি খুব মিষ্টি মিষ্টি তিনি লীলা করে সম্পূর্ণ ব্রজবাসীদেরকে তিনি ওই লীলার মধ্যে তিনি সবাইকে তিনি ডুবিয়ে রেখেছিলেন, সবাইকে তার মধ্যে তিনি আনন্দ দিয়ে সবাইকে তিনি রেখেছিলেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। এখন আপনারা ওই পাশে যাবেন আর ওখানে আজকে আমাদের যে